नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजन लवर में। और दोस्तों आज की जो वीडियो बन रही है वो भी हमारे जो भाई थे जिन्होंने कल कमेंट किया था उनका कमेंट है ये। तो उनका जो सवाल है वो ये है कि भाई जो गर्मियों में जो लॉफ्ट है दड़वा या आपका जो कबूतर जहाँ पर जाल में रहते हैं उसको ठंडा करने का कोई तरीका हो, नेचुरल तरीका हो या कैसे भी वो ठंडा रहे। तो भाई मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो लॉफ्ट सीमेंटेड का है, लकड़ी का है, जैसा भी आपने बना रखा है ना, तो उसको ठंडा रखने के लिए सबसे पहले ना आप ये रखो कि जो भी आप लॉफ्ट बना रहे हो अगर मान लो उसमें जो कैपेसिटी 20 कबूतर की है तो उसमें 10 कबूतर रखो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लॉफ्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें कबूतर आराम से घूम फिर ले। ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें क्या है कि अभी तो मैंने छत की साफ सफाई कर दी है और जो मेरा जो ये छत है ना ये सबसे ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर होने से एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि हवा जब चलती है ना तो इन वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर है क्योंकि चारों तरफ से जाल लगा हुआ है। ठीक है, और जो जोड़े वाले मेरे ये खुले रहते हैं ये इस वजह से जो हीट स्ट्रोक होता है या गर्मी होती है ना वो प्रॉपर नहीं लग पाती, क्योंकि कबूतर में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ना एक चटाई बिछा रखी है और यहाँ के लिए मैंने एक ग्रीन कलर का जो यूवी प्रोटेक्टर ग्रीन कलर का आपने देखा होगा वो मैंने मंगवाया है यहाँ के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में जो ये मैट लगा रखा है ना मैंने, इससे भी काफ़ी हद तक राहत हो जाती है। दूसरा क्या है कि कबूतर जो है सारा मेरे जैसे खुले रहते हैं ना तो इनको धूप लगती है, लेकिन धूप के साथ साथ जो हवा होती है ना वो चलती है ना, तो उससे कबूतर काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब गर्मी और जो हवा होती है ना वो प्रॉपर चल रही होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो कबूतर यहाँ पर छाए में बैठा भी है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि वो सारे के सारे कबूतर यहाँ पर छाए में बैठे रहते हैं और वो जो कैमरा लगा हुआ है ना मैं उससे ऑफिस में देखता रहता हूँ कि कबूतर जो है मेरे कैसे हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉफ्ट में बंद करके रखोगे तो लॉफ्ट में वेंटिलेशन अगर नहीं है, हवा नहीं जा रही, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर गर्मी बनेगी और वो दिक्कत करेगा। अगर मान लो आपका ऐसा है कि आप वेंटिलेशन नहीं कर पा रहे और कबूतर जो है अंदर ही हैं, तो आप जो है ना एक ग्लूकोन डी आता है ग्रीन कलर वाला, वो एक किलो मंगा के ना वो रख लीजिए और अपना एक लीटर पानी में डेढ़ चम्मच दो चम्मच डाल के दे दो, तो उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मेरा जो है मेरा तो लॉफ्ट खुला रहता है तो उसमें जो कबूतर सारे बाहर रहते हैं और ये जो पानी का मैंने ना ये पूरा भर कर जाता हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम चेंज होता है, तो ये इतना बड़ा है कि इसमें कबूतर आराम से, पहली बात तो जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि मैं छाया के हिसाब से रखता हूँ उसको, यहाँ पर छाया काफ़ी देर तक रहती है, तो इसमें जो है कबूतर नहा भी लेता है गर्मी लगेगी उसको तो, और पानी भी पी लेता तो पानी ख़त्म नहीं होता, काफ़ी देर तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं करता हूँ। अगर मान लो जैसे मान लो मेरे पास ये वेंटिलेशन नहीं होता और मुझे इस लॉफ्ट को ठंडा करना होता तो मैं क्या करता, लॉफ्ट के ऊपर ना आप बोरे होते ना दो तीन बोरे रख कर उसको गीला कर दो। ठीक है ना, तो उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिल जाती क्योंकि फिर वो छत जो है गर्म नहीं होगी। अब ये देखिए कि मेरे जो लॉफ्ट में मैंने जो अभी कर रखा है ना, अभी ऐसे सारे हूमर हैं हमारे और इसमें गोले हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी जगह आपको दिखेगी खाली। ठीक है, तो मैंने इसमें उतने कबूतर रख रखे हैं कि सारे जो है आराम से एडजस्ट हो जाएं और भीड़ ना हो। ठीक है, ये चीज़ें मैंने कर रखी है और यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से कर रखा है। तो इसमें बच्चे हैं उम्र के और कुछ जो जोड़े वाले हैं वो सेल के लिए लगा रखे थे मैंने, तो वो जब होंगे तो वो दिखा देंगे। तो इसके अंदर भी देखें तो काफ़ी जगह है लेकिन इसके अंदर भी कबूतर वो चले जाएंगे। अब देखिए जैसे ये इसको गर्मी लग रही है, ये नहा रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या है कि मेरे पास तो सारे कबूतर इसी तरीके से अंदर बाहर होते रहते हैं, उनको गर्मी लगते नहाते हैं, तो एक तरह से पूरी तरह से जैसे भाई का ही जो सवाल था कि जो हूमर और जंगली में कौन से बेस्ट हो, तो मेरे जो हैं एक तरह से पूरे जंगली बने हुए हैं, इनका जब मर्जी नहा लेते जब मर्जी खा लेते जब मर्जी अपने बच्चों को भर रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से अपना सुकून से रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे कबूतर मैं देखता रहता हूँ ऊपर कैमरे से कि सारे के सारे नहा रहे होते हैं और उसके बाद अपना आराम से घूम रहे होते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि गर्मी के अंदर जो बच्चे अगर मर रहे हैं तो भाई आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर छत के ऊपर आपको जो है बोरे होते हैं ना वो लगाने पड़ेंगे, उससे काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। और पानी के अंदर ग्लूकोन डी दो तो उससे भी बहुत काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है, तो उसमें बच्चों के मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास
ये इसमें जो है ना, यहाँ पर ये अभी इसने अंडा दे दिया है, पहला अंडा दिया है, ठीक है। अब ये अंडा रख देगी, दूसरा अंडा, इसके अंदर बच्चे हैं, उधर बच्चे हैं, इधर बच्चे हैं। तो मैं गर्मियों में भी, अगर आपके पास सही अरेंजमेंट है ना, तो आप किसी भी मौसम में बच्चे निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में नहीं निकलवा सकते, बरसात में नहीं निकलवा सकते, क्योंकि देखो हर कोई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास सही अरेंजमेंट नहीं होता। अगर सही अरेंजमेंट नहीं है तो फिर भाई दिक्कत तो आएगी। और मैंने जो ये सेटअप बनाया वो इसी हिसाब से बना रखा है कि मेरा कभी भी किसी भी मौसम में उनको दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो एक बच्चा जो है अगर अंडा देने के बाद 21 दिन तक, तो 20 से 21 दिन तक अंडे में से बच्चा निकलता है, ठीक है। और कम से कम डेढ़ महीना एक महीने तक वो बच्चों को भरते हैं, तो दो ढाई महीने तक तो वैसे निकल जाता। तो उसमें फिर वो सेहत, अगर आपने दाना पानी अच्छा दिया तो सेहत बन जाएगी उनकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। तो आप किसी भी मौसम में निकलवा सकते हो। तो मैंने जो ये लॉफ्ट बनवा रखा है ना, वो इसी हिसाब से बना रखा है कि मेरा किसी भी मौसम में मेरी ब्रीडिंग ईजिली हो जाए और जो मेरे कबूतर वो भी बीमार ना पड़े, ठीक ठाक रहे, ठीक है ना। ये चीज़ें थी। तो गर्मियों के अंदर बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप ग्लूकोन डी दें पानी के अंदर, अगर आपका लॉफ्ट वैसा है। और अगर लॉफ्ट में ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसके ऊपर आप फिर ग्रीन कलर का वो जो सॉरी बोरे वगैरह होते हैं उसको गीला करके रख सकते हैं, दो तीन बोरे इकट्ठे रख दें ताकि पानी उसमें काफ़ी देर तक बना रहे। तो इस तरीके से होता है सारा चीज़ें, आप देख लीजिए। बाकी अभी क्या है कि ये सारे जो हूमर है मैंने सारे जोड़े वाले खुल चुके हैं। और इसमें देखिए कि यहाँ पर मैंने बाजरा निकाल रखा है और ये भीगा के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भीगा हुआ बाजरा सुबह शाम मैं भीगा हुआ बाजरा ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो बाजरा होता है वो उसकी तासीर गर्म है और भी चीज़ें जो हैं उसकी चीज़ें गर्म होती हैं। तो वहाँ पर हमें जब भीगा हुआ बाजरा देते हैं ना, तो उससे भी एक तो जो अगर ये बच्चों को भरेंगे तो उनका दाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और जो उसकी तासीर होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अगर आप देखें ना तो काफ़ी हद तक भीग चुका है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी भीगा हुआ दाना दे रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे भी बिल्कुल ओके रहें। थोड़ा थोड़ा दाना डालते रहता हूँ मैं, जैसे ख़त्म होगा वो डाल देंगे। और इसके अंदर जो बच्चे हैं इस बार के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या था दोस्तों, आँखों की बीमारी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल मैंने कर लिया है। ये बच्चे की भी आँख आ रही थी, इसकी भी आँख आ रही थी, इन बच्चों की आँख आ रही थी, छोटे छोटे बच्चों की आँख आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। ये सो रहा है, इसकी आँख है, ठीक है ना। तो आँखें स्वेलिंग वगैरह थी, काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब ये है इन बच्चों को अब जो है दाने वगैरह का अब ये भरपेट दे रहे हैं। कल से जो है इनका दाना थोड़ा सा लिमिट में दिया जाएगा, ताकि बच्चों में क्या होता है कि अगर हम ओवर दाना देंगे ना तो बच्चा सुस्त होकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमें बच्चे को भी भूख का थोड़ा सा एहसास कराना है। गर्मी में दाना कम दिया जाता है, पानी ज़्यादा पियेंगे कबूतर, ठीक है। तो अब ये देखिए सारे काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। अब जो लगेगा मुझे तो उसके अंदर भी मैं इनको अलग से दाना पानी अलग से देंगे, थोड़ी छांट दी जाएगी इनको। बाकी जो अभी उम्र है सारे, कल से जो है इनको सेट करेंगे, इनको भी उड़ाना चालू करना है। तो जो छोटे छोटे बच्चे उनको थोड़ा रोक कर, जो समझदार है उनको ऊपर नीचे करके फिर सारे मैं एक साथ ही खोल दूँगा। ये थी वीडियो की, क्या था कि वीडियो बनाते बनाते मुझे सबका ध्यान भी रखना है, पट्टे वट्टों का सबका ध्यान रख के फिर हम कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, संदीप भाई हमारे जॉब कर रहे हैं तो वो नहीं आ पा रहे, सारा मुझे ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप कमेंट करते रहो, जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। और बाकी जो भी है ग्रुप में नंबर तो आ ही रहा है, व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर व्हाट्सअप कॉलिंग करना, और सॉरी व्हाट्सअप पे मैसेज डाल देना, जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं खुद कॉल कर लूँगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर ठीक लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जाते हैं, नमस्कार।